नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती है और हर व्यक्ति की ज़रूरत है। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, धन दौलत, स्वास्थ्य और सुख शांति हर व्यक्ति चाहता है। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार किस प्रकार हम अपने घर में छोटे छोटे बदलाव करके, वास्तु को सही करके, कैसे अपने घर के अंदर धन दौलत के आने के साधन बना सकते हैं, घर के अंदर धन दौलत रुकने के साधन बना सकते हैं, स्वास्थ्य को कैसे सही कर सकते हैं, घर के अंदर बीमारी लगातार बनी हुई है तो क्यों बनी हुई है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसे हम कुछ छोटे से उपाय करके अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। घर के अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, झगड़े बने रहते हैं, तो उससे राहत कैसे पाएं, यानी सुख शांति कैसे पाएं, आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, मेरे शब्दों को अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। धन दौलत के लिए हमें तीन दिशाओं को चेक करना है। सबसे पहले धन दौलत आने की दिशा कौन सी है? नॉर्थ डायरेक्शन, यानी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के अंदर क्या काम करें जिससे कि आपके यहाँ धन दौलत आने के साधन बन जाए? उत्तर दिशा को, नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करना, आपने साफ रखना है। वहाँ पर स्टोर बनाया हुआ है तो उसे खाली करना है। किसको खाली करना है? स्टोर को। अगर आपने अपने यहाँ पर उत्तर दिशा में खिड़कियाँ और दरवाजे लगे हुए और उन्हें बंद करके रखते हैं तो भी आपके यहाँ धन दौलत आने के साधन नहीं बनेंगे। आपने उन खिड़कियों को, उन दरवाजों को रूटीन में खोलना है। वहाँ से सनलाइट और एयर घर के अंदर आनी चाहिए तो आपके यहाँ धन दौलत आने के साधन जरूर बनेंगे। ये तो पॉइंट है धन दौलत आने के साधन के उत्तर दिशा के, यानी नॉर्थ डायरेक्शन के। ये तो मैंने बताया कि उत्तर दिशा में खिड़की और दरवाजे है, उन्हें रूटीन में जरूर खोले, सनलाइट आए और एयर वहाँ से आनी चाहिए। कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिसमें नॉर्थ वॉल पर, यानी उत्तर की दीवार से टच करी हुई बिल्डिंग बनी हुई होती है, यानी उत्तर की दीवार पर ना तो कोई खिड़की होती है ना कोई दरवाजा होता है। तो ऐसे में आपने करना क्या है, जो उत्तर की दीवार पर आपने कोई सामान लगाया हुआ है, चाहे आपका वहाँ पर बेड लगा हुआ है, चाहे आपकी वहाँ पर अलमीरा लगी हुई है, या आपने और कोई सामान उत्तर की दीवार पर लगाया हुआ है, तो उसे वहाँ से हटाना है। ऐसा करने से भी आपके यहाँ धन दौलत आने के साधन बन जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी डायरेक्शन धन दौलत आने के लिए, साउथ ईस्ट, यानी आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व का कोना। जब दक्षिण पूर्व का कोना सही होता है तो उस घर के अंदर लगातार धन दौलत आती है। दक्षिण पूर्व यानी अग्नि तत्व का स्थान, यहाँ पर अग्नि की व्यवस्था होती है, दक्षिण पूर्व का हिस्सा गर्म होता है तो उस घर के अंदर हमेशा ही धन दौलत लगातार आती रहती है। यदि दक्षिण पूर्व की दिशा में आग्नेय कोने में पानी की व्यवस्था है आपके यहाँ, चाहे आपके यहाँ पानी का टैंक बना हुआ है, चाहे आपने वहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाई हुई है या बाथरूम बनाया हुआ है, तो आपके यहाँ पैसे जो लगातार आने चाहिए वो लगातार पैसे नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, दक्षिण पूर्व के हिस्से में अग्नि की व्यवस्था करनी है। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट जोन में आप अपनी किचन बना सकते हैं, वहाँ पे इन्वर्टर रख सकते हैं, वहाँ पर आप जनरेटर रख सकते हैं, यानी दक्षिण पूर्व के हिस्से को जितना गर्म करेंगे आपके यहाँ उतने ही पैसे लगातार आने के साधन बनेंगे। अब लगातार पैसा तो आ जाता है लेकिन रुकता नहीं, उसके लिए आपको तीसरी डायरेक्शन क्या देखनी है, साउथ वेस्ट जोन यानी नैऋत्य कोण, जहाँ आप अपनी सेफ तिजोरी को रखते हैं। आपकी तिजोरी सही दिशा में होगी, सही स्थान पर होगी तो उसमें पैसा आपके जरूर रुकेगा। कौन सी डायरेक्शन? साउथ वेस्ट जोन, तिजोरी की व्यवस्था।
कहाँ रखनी है तिजोरी? साउथ वेस्ट जोन में। साउथ वेस्ट जोन में साउथ की दीवार पर या वेस्ट की दीवार पर आप अपनी तिजोरी रखेंगे और वहाँ पैसा रखेंगे तो वो पैसा आपका सही जगह इस्तेमाल होगा और बेवजह आपका पैसा खर्च नहीं होगा। ये तीन दिशाएं धन दौलत के लिए बनती हैं। वैसे तो सभी दिशाओं से धन दौलत आने के साधन बनते हैं, आते हैं, लेकिन मेन तीन दिशाएँ जो होती है वो नॉर्थ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इन तीन दिशाओं को सही कर लेंगे तो आपके यहाँ धन दौलत आने के साधन भी बनेंगे, आएगी भी और रुकेगी भी। अब मैं आपको बताऊंगा स्वास्थ्य के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किस दिशा को सही करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जब भी साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, ये तीन दिशाएं, इन तीन दिशाओं के अंदर यदि आपके यहाँ पानी का अंडरग्राउंड टैंक है, सबमर्सिबल है, बोरवेल है, सेप्टिक टैंक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है, या यहाँ का फ्लोर लेवल नीचा है, या यहाँ पर पानी बहता है, तो आपके घर के अंदर हमेशा ही स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी रहेगी। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इन तीन दिशाओं में यदि किचन आ जाती है तो भी घर के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनी रहती है। नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ जाती है, टॉयलेट बनी हुई है तो भी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आती है। आपको अपने घर के अंदर स्वास्थ्य सही करना है तो साउथ में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में पानी का काम करना बिल्कुल बंद कर दें, तो घर के अंदर स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो इस किचन को यहाँ से हटाएंगे तो आपके घर के अंदर स्वास्थ्य सभी का अच्छा होना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनी हुई है तो इनको भी यहाँ से जरूर हटाएं। ऐसा करने से भी आपके यहाँ स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सुख शांति के लिए, घर के अंदर सुख शांति कैसे है। सबसे पहले तो आपको जो ध्यान देना है, जितने भी आपके घर के अंदर दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे और खिड़कियां, यदि इनके पल्ले आवाज़ करते हैं, कब्जों में आवाज़ बनी हुई है, या फर्श के साथ रगड़ खाते हैं, या डोर क्लोजर के अंदर आवाज़ आती है, तो आपके घर के अंदर सुख शांति नहीं रहेगी, बेवजह का कलह बना रहेगा। तो आपको समय समय पे अपने दरवाजे और खिड़कियां सही कराने हैं। सेकंड पॉइंट, आपके घर के अंदर जितने भी दर्पण लगे हुए हैं वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उनकी पॉलिश खराब नहीं होनी चाहिए। दर्पण लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं, वो सभी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे होने चाहिए। मिरर जितने हैं वो सभी साफ़ सुथरे हो, गंदे नहीं होने चाहिए। मिरर यानी शीशे के जो पीछे की पॉलिश होती है वो ख़राब हो गई है, शीशा ख़राब हो गया तो उसे समय समय पर बदलवा लेना चाहिए। शीशा टूटा हुआ है तो उसे भी बदलवाना चाहिए। दर्पण यानी शीशा, लुकिंग ग्लास, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि शीशा टूट गया है, किनारी झड़ गई है और उस शीशे को हम लगा के रखते हैं, ऐसे शीशे के कारण भी घर के अंदर सुख शांति नहीं रहती, बेवजह का झगड़ा तनाव बना रहता है। शीशे की पॉलिश खराब हो गई है तो उस शीशे को जरूर बदलवाएं। ऐसा करने से भी घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ यदि हर वक्त पानी बहता है, ओवरफ्लो होकर पानी बहता है, तो उसके कारण भी घर के अंदर सुख शांति नहीं रहती। कभी भी पानी ओवरफ्लो होकर नहीं बहना चाहिए, आप उसको सही करेंगे तो भी आपके घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। फ्लो चाहे आपकी पानी की टंकी ओवरफ्लो हो रही है या आपकी टूटी यानी पानी का जो नल है वो लीक है, उनसे पानी बह रहा है, तो वो वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत है, उसके कारण घर के अंदर सुख शांति नहीं रहती। तो उन्हें सही कराएंगे तो आपके घर के अंदर सुख शांति
हमेशा बनी रहेगी। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जिस घर के अंदर दीवारों में दरारें आ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, दीवारों में दरार बन जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसके कारण भी घर के अंदर सुख शांति नहीं रहती। आपके घर के अंदर दीवारों में क्रैक है तो उन्हें सही कराएं। फर्श फूल गया, फूलने के बाद फर्श फट गए हैं या फर्श बैठ गए हैं, तो उस घर के अंदर भी सुख शांति नहीं रहती। कभी भी फर्श फटा हुआ नहीं होना चाहिए, फूला हुआ नहीं होना चाहिए, दीवारों के अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए, उन्हें समय समय पे रिपेयर कराएं या प्रॉपर तरीके से दीवार को हटाकर अच्छे तरीके से दोबारा से नई दीवार बनाएंगे तो आपके घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। फर्श खराब हो चुका है, ऊंचा नीचा हो चुका है, अप एंड डाउन हो चुका है, तो उसे आप सही कराएंगे तो आपके घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। ये मैंने जो कारण बताए इनकी वजह से भी आपके घर के अंदर परेशानियाँ बनी रहती हैं। तो आपके यहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही है जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप मेरी इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार जरूर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर भी करें और मेरी चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैंने अपने YouTube चैनल पर लगभग 500 के करीब वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से अपनी साइट का मैप भी वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवा सकते हैं और आप अपनी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।